खबर आ रही है कि उमर साहब जो अपकमिंग इलेक्शन है वो नहीं लड़ेंगे, ये खबरें अभी मीडिया में गश्त कर रही है। उन्होंने पहले से कहा अगर स्टेट रिस्टोर नहीं हुआ वो नहीं लड़ेंगे। फारूक साहब, जिस तरह से लिस्ट सामने आया है तो ये लगाया अंदाजा लगाया जा रहा है कि यही जो लोग हैं कल को एमएलए होंगे, तो इसका मतलब है कि पीएचडी लोग अजीब अजीब किस्म की बातें करेंगे। अब हर एक बात का हम जवाब देते रहे तो कैसे चलेगा, वो खुद ही ये बना रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो पीएचडी के साथ जो गठबंधन, कोई एमएलए नहीं बनेगा क्योंकि अभी गठजोड़ की बात भी आएगी, अभी पीएचडी की बात भी होगी, कुछ करना है, अभी बहुत लंबा सफर। डॉक्टर साहब, डॉक्टर इलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगे? पीएमओ ने आज एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि पहाड़ी को जो है एसटी स्टेटस दिया गया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो पहले से ही इसके लिए लड़ रहा था, आपको तो पता ही नहीं है 1983 में जब मार्च में मिसेज गांधी ने ऐलान किया था और लद्दाखियों को सबको शेड्यूल ट्राइब दिया गया था, सिर्फ आर्गून्स को बाहर रख दिया था जो 300 साल से वहां रहते थे। वो आए थे फिर राजौरी, वहाँ ऐलान किया था अगर फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत मुझे लिखेगी तो मैं यहाँ के लोगों के लिए भी, जैसे राजौरी में किया तो मैं यहाँ के लोगों के लिए और चिनाब के लोगों के लिए ये सब कुछ शेड्यूल ट्राइब। रोला साहब के फादर ने उसी वक्त वो खत लिखा उनको कि मेहरबानी करके दीजिए, आज तक नहीं दिया। रोला साहब के वालिद साहब के बदम है आज उनकी बरसी है, तो एक बड़े लीडर थे। रोला साहब के वालिद से मिला था उनके वफात से पहले, जम्मू आए थे, जम्मू में कयूम साहब उनको ले आए थे, मैंने उनसे कई बहुत लंबी बातें की थी उनसे, मगर अल्लाह को मंजूर नहीं था, उनको उस धमाके ने जिंदा नहीं रखा, मगर अल्लाह करे कि बेटा जो है वो उनकी उस मंजिल को पूरा कर सके जो उनकी तमन्ना थी।